हेलो दोस्तों वेलकम टू माय सिविल इंजीनियर धनोज दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड बेरिंग मेरिडियन क्या है और बेरिंग क्या है इसके बारे में मैं इस लेक्चर में बात करेंगे यदि आप मेरिडियन और बेरिंग का मतलब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को इन तक देखे पूरे जानकारी के लिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डालू उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे चलिए बात करते हैं मेरिडियन मेरिडियन क्या है मेरेडियन इज अ फिक्स डायरेक्शन मेरेडियन एक फिक्स डायरेक्शन है जिसकी डिफ्रेंस से किसी भी सर्वे लाइन की, की जाती है ट्रू मेरेडियन ट्रू मेरेडियन क्या है लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज न इज नाउन एज ट्रू मेरेडियन ट्रू मेरेडियन का मतलब ये होता है मेरा वो लाइन जो लाइन जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल से पास हो रहा है उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन अब नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इज द डायरेक्शन साउंड बाय अ फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस मैग्नेटिक निडी फ्री फ्रॉम ऑल अदर अट्रैक्टिव फोर्सेस अब देखो एक चुंबकीय सुई ले और चुंबकीय सुई को मैग्नेटिक निडी से स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे चुम्बकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने के बाद जो वो दिशा प्रदर्शित करती है उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं उसमें कंडीशन है चुंबक की लोकल अट्रैक्शन से हमारी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए नहीं नेचुरली से होना चाहिए और नहीं आर्टिफिशियल से होना चाहिए ट्रू मेरिडियन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ चेंज होता है क्योंकि मैग्नेटिक पोल जो है वही टाइम के साथ चेंज होता है इसीलिए मैग्नेटिक मेरिडियन भी टाइम के साथ चेंज होता है अब देखो ग्रिड सम समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग मैप सम स्टेट एजेंसीज एजूम सेफ्रल लाइंस पैरल टू द ट्रू मेरिडियन फॉर पार्टिकुलर जोन द सेंट्रल लाइन इज कॉल ग्रिड मेरिडियन किसी भी एरिया का हमारे सेंट्रल पोर्सन हो और उस सेंट्रल पोर्सन से ट्रू मेरिडियन पास होता है उसे हम कहते हैं ग्रिड मेरिडियन किसी भी देश का सेंट्रल एरिया होगा जब उस सेंट्रल एरिया से हमारे ट्रू मेरिडियन पास होता है तो उसको हमें कहते हैं ग्रिड मेरिडियन और नेक्स्ट देखो आर्बिट्रेरी मेरिडियन इसका मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार माना गया मेरिडियन है जब हम फील्ड में सर्वे करता है तो हम एजुम कर सकते हैं कि ये मेरा नॉर्थ पोल हुआ ये मेरा साउथ पोल हुआ अपने इच्छा के अनुसार नेक्स्ट देखो बेरिंग द बेरिंग ऑफ अ लाइन इज द होरिजेंटल एंगल व्हिच इट्स मेक्स विद द रेफरेंस लाइन और मेरिडियन बेरिंग मतलब क्या होता है बेरिंग मतलब ये होता है इसका मतलब ये है किसी भी फिक्स डायरेक्शन से या वो ट्रू मेरिडियन हो या वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो या वो ग्रिड मेरिडियन हो या वो आर्बिडी मेरिडियन हो या किसी भी मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइन का झुकाव होता है उसे हम कहते हैं बेरिंग और बेरिंग मतलब मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो होरिजेंटल एंगल होगा उसे हम बोलते हैं बेरिंग और बेरिंग का टाइप्स देखो देर आर फोर टाइप्स ऑफ बेरिंग फर्स्ट में देखो ट्रू बेरिंग द ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन इज द होरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन ट्रू बेरिंग का मतलब होता है सर्वे लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो होरिजेंटल एंगल बनता है उसे हम कहते हैं ट्रू बेरिंग अब नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग मतलब होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो मेरा होरिजेंटल एंगल होगा उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग अब नेक्स्ट देखो ग्रिड बेरिंग द ग्रिड बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज द होरिजेंटल एंगल हुच लाइन मेक्स विद द ग्रिड मेरिडियन अब देखो ग्रिड मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो मेरा होरिजेंटल एंगल होगा उसे हम कहते हैं ग्रिड बेरिंग अब लास्ट देखो आर्बिटेटिव बेरिंग मतलब होता है आर्बिटरी मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो मेरा होरिजेंटल एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं आर्बिटरी बेरिंग हम ये अपने इच्छा के अनुसार माना जाता है तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ताकि इसी वीडियो जो भी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो